Hey my beauties, how are you all? I hope you all are doing well. So guys, this is Ankita Singh and you're watching Pamper You by Ankita. So guys, हमने स्किन केयर में हाइलुरोनिक एसिड के बारे में तो बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, नहीं? हमने स्किन केयर के लिए हाइलुरोनिक के बेनिफिट्स ये सब देखे. क्या आपको पता है कि जो हाइलुरोनिक एसिड है वो हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है? मतलब जैसे स्किन में हाइलुरोनिक एसिड जो है वो मॉइस्चर को लॉक करता है, आपकी जो डिहाइड्रेटेड स्किन है उसको हाइड्रेटेड बनाता है. तो सिमिलरली जो हाइलुरोनिक एसिड है सेम वर्क आपके हेयर्स के लिए भी करता है. एंड आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट मुझे किया था कि आपके जो हेयर्स हैं बहुत ज़्यादा फ्रिजी रहते हैं, ड्राई रहते हैं, तो आपने मुझे बहुत सारी होम रेमेडीज भी बताई कि आप ये कर सकते हैं. बट यू नो, मेरा जो शेड्यूल है वो कितना ज़्यादा बिजी है, तो मैं इतने सारे DIY नहीं कर सकती हूँ. तो मेरे को अपने लिए एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिला है. सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू L'Oreal Paris Hyaluron मॉइस्चर रेंज. इट हैज़ मॉइस्चर फिलिंग शैम्पू, मॉइस्चर सीलिंग कंडीशनर एंड हाइड्रा फिलिंग नाइट क्रीम. सो गाइज, काफी रिसर्च के बाद मुझे मिली ये L'Oreal Paris की हाइलुरोन मॉइस्चर रेंज. कहते हैं इसके फायदे के बारे में, ठीक है? ये आपके बालों में जो मॉइस्चर है उसको लॉक करता है, आपके मॉइस्चर को, बालों के मॉइस्चर को सील करता है. एंड यस, ये आपको 72 आवर्स हाइड्रेशन देता है आपके बालों में. L'Oreal Paris मॉइस्चर फिलिंग शैम्पू आपके हेयर को रीप्लम करता है एंड लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देता है. साथ ही साथ आपके जो डिहाइड्रेटेड हेयर्स हैं उनको बहुत ही अच्छा कर देता है. उसके बाद इसका कंडीशनर जो है वो आपके बालों को डिटेंगल करता है और उसमें मॉइस्चर को लॉक करता है. ये डिहाइड्रेटेड हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा. एंड हाँ, कंडीशनर हमेशा वेट हेयर्स पे लगाना है, ना कि सूखे बालों पे. वेट हेयर पे कंडीशनर बहुत अच्छा काम करता है. अब मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा रही हूँ. देखिए कितनी बुरी तरीके से टैंगल हो रखे हैं मेरे हेयर्स. अब मैं लगाऊंगी ये L'Oreal Paris का हाइड्रा फिलिंग नाइट क्रीम. एंड अब आप देखिए, मैं इसको अपने बालों पे लगाऊंगी तो कॉम्ब कितने अच्छे से हो जाती है और कितनी स्मूदली हो जाती है और डिटेंगल हो जाएंगे. और हाँ, आप इसको एज अ लीव इन भी छोड़ सकते हैं, ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे. एंड हाँ, इसके बाद जब मैं कॉम करूँगी तो पहले मेरी जो कॉम हो रही थी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हो पा रही थी. अब देखिए आप मेरी जो कॉम है कितनी स्मूदली हो जाएगी, एकदम आराम से मेरे बाल जो हैं वो कॉम हो जाएंगे. तो ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है और ये आपके बालों को 4x मोर हाइड्रेशन देता है और सॉफ्टनेस देता है. इसमें भी हाइलुरोनिक एसिड है. तो गाइज, ऐसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, मतलब आपकी पॉकेट फ्रेंडली है. एंड अगर आई थिंक आपको ये ट्राई करना चाहिए अगर आपके बाल ड्राई फ्रिजी हैं. ऑब्वियसली आजकल का जो क्लाइमेट है वो ऐसा हो गया है जिससे हमारे बाल डेफिनेटली ड्राई और फ्रिजी हो ही जाते हैं, ठीक है? तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा शैम्पू है, तो आई थिंक आप लोग को ये ट्राई करना चाहिए. एंड मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा शैम्पू रहा है, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर रखा है. एंड जब मैंने इसको ट्राई करा तो मुझे फर्स्ट डे से ही रिजल्ट दिखाई देने लग गए हैं एंड मेरे बालों की फ्रिजीनेस जो है वो जा रही है. L'Oreal Paris की हाइलुरोन मॉइस्चर रेंज ने मेरे बालों को काफ़ी ज़्यादा फ्रिजीनेस एंड ड्राइनेस एंड यू नो डिहाइड्रेशन से आराम दिया है. सो आप लोग को भी, इफ़ योर हेयर्स आर डिहाइड्रेटेड एंड फ्रिजी, तो आपको इसे ट्राई देना चाहिए. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज दिस, तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो गाइज, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है. एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. एंड यस, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं कभी न्यू वीडियो लेके आऊंगी तो आप रहेंगे नोटिफाइड. एंड यस, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई ID is pamperyoubyankita. दैट्स ऑल गाइज, बाय बाय.